ऐसा जा रही है सोनाली, इतनी भीड़ हो रही है बाप है, गाड़ी में सब बच गए, गाड़ी गई। सो मेरा टाइम स्टार्ट होता है ना, बारिश आ गई और बहुत भयंकर तूफान हो रहा है तेरे प्यार में। हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। तो अभी मैंने सुबह से ब्लॉगिंग नहीं किया था क्योंकि मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा था। सो अभी मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल क्योंकि चेक भी कराया था और दवाई भी खाया था पर ऐसा कोई भी रिजल्ट नहीं आया और ज़्यादा दर्द होते जा रहा है। मतलब दवाई खाते समय ठीक है, उस समय मतलब सूज जाता है, मतलब मे बी वो पेन किलर हो जो भी हो, बट जैसे ही दवाई का असर ख़त्म हो जाता है तो फिर से पेन स्टार्ट हो जाता है। तो अभी मैं जा रही हूँ, मैंने अपॉइंटमेंट ले रखा है बाहर वाला साइड में, तो अभी चलते हैं और क्या बोलते हैं डॉक्टर, मैं आपको जल्दी बताऊंगी। कैसा जा रही है सोनाली, तो अभी हम जाते हैं। गाइस अब यहाँ पे देखो कितनी भीड़ हो रही है, बाप रे। हम सिर्फ पेट्रोल पंप पर आए थे पेट्रोल भरने के लिए, बट वहाँ तो भीड़। यहाँ आजकल बहुत पुलिस आ चुके हैं और हर जगह चेकिंग स्टार्ट हो रहा है। बेचारे वो अंकल को गाड़ी ले लिया, हाँ क्योंकि वो अंकल ने गलत जगह, वैसे भी मैजिक वो कहीं भी रोक देते हैं, इससे ट्रैफिक बढ़ जाता है ना, पर उनका तो गाड़ी गया भैया, दया भी आ रही, पैसेंजर भी उतार दिया उनका। सो अभी हम पहुंच चुके हैं पेट्रोल पंप, अंकल साइड। तो अभी हम आ चुके हैं डॉक्टर निकेत चंद्रा, क्योंकि मैंने डॉक्टर चेंज कर दिया है, वहाँ पे ठीक नहीं हो रही थी। तो अभी गाइज मैं यहाँ आ चुकी हूँ, अभी मेरा अपॉइंटमेंट भी है, पता नहीं कितना टाइम लगेगा यहाँ पे, और बारिश भी स्टार्ट हो चुकी है। नाली बोल रही थी कि मैं भीगना नहीं चाहती, बट अफसोस ये भीग चुकी है। मेरा अपॉइंटमेंट है, अच्छा तो मैंने कॉल 4 बजे ही कर दिया था अपॉइंटमेंट के लिए, बट उन्होंने फिर भी मेरा इतना लेट किया, अभी तक टाइम मतलब नंबर नहीं आया है, जिसका दिमाग ख़राब हो रहा है यहाँ पे। और ये बार बार मुझसे पूछ रही कि कब आएगा कब होगा, जैसे कि मैं ही हूँ अंदर बैठी हुई, बहन मुझे थोड़ी पता है कब आएगा। और गाइस बारिश भी हो ही जा रही है, इंतजार करना पसंद नहीं है। घड़ी में घड़ी तो है नहीं, बैंड बैंड ही है, है? घड़ी में सब बच गए, घड़ी घड़ी जाएगी। तो गाइस मैं आई थी मतलब 2 घंटे पहले और अभी तक मेरा नंबर नहीं आ रखा, और यहाँ बहुत भीड़ हो चुका है और बाहर बहुत बारिश हो रही है, अभी वेट करते हैं कब आएगा नंबर, फिर मैं आपको बताती हूँ क्या होगा। फाइनली गाइज मेरा चेकअप भी हो गया है और अभी फिर दोबारा मुझे इतना सारा मेडिसिन लिया है और बोला है कि 5 दिन वेट करो, ठीक होगा तो फिर बताएंगे, वरना फिर देखते हैं क्या ट्रीटमेंट होता है। और मेरे लिगामेंट में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, अब देखते हैं, आई होप भगवान करे ठीक हो जाए, इतना ज़्यादा सूज रहा है, पेन अलग हो रहा है। सो अभी मिलते हैं, घर जा रही हूँ मैं, घर पे मिलते हैं हम डायरेक्ट। तो गाइज मुझे लेने सोनाली आई है, वो भी थार में। तो अभी मैं घर जा रही हूँ और डॉक्टर ने बोला है ये हाथ को ज्यादा वर्क नहीं करना है, ज्यादा मतलब ज्यादा हार्ड वर्क नहीं करना है इससे, तो अब देखते हैं कब ठीक होता है। सो गाइस फाइनली हम पहुंच गए हैं और इतना भयंकर बारिश हो रहा था, मैं तो भीग गया और बहुत ठंडी भी लग रही है, तो फटाफट मैं जाती हूँ फ्रेश होती हूँ, दवाई भी खाना है मुझे। सो गाइज ये काफ़ी रिक्वेस्टेड वीडियो था कि मैं मतलब अपना स्किन केयर रूटीन कैसे करती हूँ। सो सबसे पहले आज हम स्टार्ट करेंगे स्किन केयर रूटीन, क्योंकि बहुत काफ़ी टाइम से बोला गया था कि स्किन केयर बनाओ, पर मेरे पास टाइम नहीं हो पा रहा था, तो आज वो दिन आ गया है कि हम आज स्किन केयर रूटीन करेंगे। सो सबसे पहले डीपली फेस वॉश करूँगी, सबसे पहले मैं यूज़ करने वाली हूँ मुल्तानी मिट्टी। सबको पता ही होगा कि आपको ये रॉ भी मिल जाएगा और ऐसे पैकेजिंग में भी मिल जाएगा, तो अभी मैं यूज़ कर रही हूँ VLCC का ये मुल्तानी मिट्टी। सो आइए लगाते हैं। कभी भी अपना जो भी आपने मेकअप लगाया होगा फेस में, उसको हमेशा मतलब वॉश करके ही सोना, निकाल के ही सोना, वैसे डायरेक्ट मतलब बिना मुंह धोए कभी भी मत सोना, इससे आपका फेस खराब हो जाएगा। हमेशा सोने से पहले सोने के बाद CTM करना बहुत ज़रूरी है। तो आइए मैं बताती हूँ CTM में क्या होता है। तो अभी हम मैं लगा रही हूँ ये मुल्तानी मिट्टी लगा लिया है, इसको हम 10 से 15 मिनट तक रखेंगे और तब तक बोलेंगे नहीं। सो मेरा टाइम स्टार्ट होता है ना। तो मेरा स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और मैं कुछ भी यूज़ करती हूँ प्रोडक्ट तो जल्दी सूट नहीं करता, तो मुल्तानी मिट्टी ऐसी चीज़ है जो सबको सूट कर जाती है।
सो मैंने फेस भी वॉश कर लिया। इसके बाद मैं करूँगी CTM जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। सोने से पहले CTM करिए और उठने के बाद करिए क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो गाइज मैं टोनर यूज़ कर रही हूँ। टोनर में आप रोज़ वाटर भी यूज़ कर सकते हैं और कोई भी स्किन टाइप टोनर यूज़ कर सकते हैं अपने स्किन के अकॉर्डिंग। सो गाइज मैं पिगमेंटेशन वाला सीरम यूज़ कर रही हूँ। आप अपने फेस के अकॉर्डिंग फेस सीरम यूज़ कर सकते हो, विटामिन सी भी यूज़ कर सकते हो। मेरे थोड़े पिगमेंट्स हो रखे हैं तो मैं पिगमेंट वाला यूज़ कर रही हूँ। इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ मॉइस्चराइज़र। सो गाइज नाउ आई एम यूजिंग सनस्क्रीन। सच आप सोए नहीं अभी तक? तो सनस्क्रीन बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे घर में रहो बाहर जाओ, हमेशा सनस्क्रीन अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि घर में जो लाइट्स होती है उससे भी आपके स्किन में काफ़ी इफेक्ट पड़ सकता है, इसीलिए काफ़ी इफेक्ट पड़ सकता है, तो हमेशा सनस्क्रीन अप्लाई करिए। सो गाइज ये था मेरा स्किन केयर रूटीन, अब हम सो जाते हैं। देखो आप स्किन, और ऐसे ही रोज़ CTM करना, इससे आपका स्किन में जो भी मतलब डिहाइड्रेशन हो रहा हो और जो भी मतलब आपको बहुत डल लग रहा हो, और आप अगर एक हफ्ते तक करोगे देखना आपका नेचुरल ग्लो आ जाएगा। तो गाइस रात के 1 बज रहे हैं और मौसम इतना भयंकर हो रहा ना, मैं आपको दिखाती हूँ, हवा चल रही है भयंकर, मतलब देख रहे हो थंडर लाइट्स, मज़ा भी आ रहा है और ठंडी भी लग रही है। गाइस बारिश आ गई और बहुत भयंकर तूफान हो रहा है, हम वापस जा रहे हैं नीचे को। गाइस हम ना छुप के आए थे मम्मी से, अभी मम्मी से भी बहुत मार खाई है। मजा आ गया। गाइस बहुत भयंकर तूफान चल रहे एकदम। तो आज के मुख्य समाचार, देहरादून में पड़ रही है एकदम जोड़ो तोड़ो से तोड़दार बारिश, अभी बज रहे हैं 1 और इतनी भयानक बारिश हो रही है। देखो दिखा नहीं सकती, कैसे दिखाओ, बट आवाज़ सुनो। शुगु तुमको डर लग रहा है? हैं शुगु को भी डर लग रहा है गाइस।